ये है आप सभी की ऑल न्यू हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से पेशकश, आप सभी की ऑल न्यू हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CXER। जी हाँ, एक बहुत ही शानदार पेशकश आप सभी के सामने कंपनी पेश कर रही है। ये हमारे पास इसकी डुअल बैटरी वाली मॉडल अवेलेबल है, जहाँ की दो आपको बैटरी दिनों मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो रेंज है वो बहुत ही अच्छी निकल के आती है। लगभग 140 किलोमीटर के आसपास की कंपनी रेंज इसमें क्लेम करती है। 120 से 140 KMPL की आप किलोमीटर की रेंज आप निकाल सकते हैं। गाड़ी की आप फर्स्ट लुक ले सकते हैं, बहुत ही बेहतर और शानदार गाड़ी लुक ऑफर करती है। लुक वाइज कहीं से भी आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, देख सकते हो इलेक्ट्रिक आपको फ्रंट वे कंपनी बैच की हुई है। आपको इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी लगेगा कि ये गाड़ी 40 क्रॉस आपकी इजीली कर लेती है, तो आप एक बार गाड़ी का लुक ले सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको इसमें LED हेडलैम्प सेटअप भी देखने मिल जाता है। जी हाँ, कंपनी जो आपको प्रोवाइड करती है LED हेडलैम्प करती है। बाकी ये व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ये भी सेम मॉडल रहने वाली है। इसमें एक सिंगल बैटरी का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर हम इसके ऑन रोड के बारे में बात कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली 95 to 1 lakh के आसपास ये गाड़ी ऑन रोड कॉस्टिंग करती है। ऑप्टिमा की बहुत अच्छी 3D में आपको यहाँ पे बैचिंग रो मिल जाती है और साइड में आपको CXER की बैचिंग रो मिल जाती है। ये आप इस देख सकते हो, ये जो कलर कॉम्बिनेशन ये मैट फिनिशिंग के साथ आपको आ जाता है 2022 में, जो कि नो डाउट इस गाड़ी के लुक को इन्हेंस करता है। गाड़ी की लुक पहले ज़्यादा बेहतरीन निकल के आती है। चलिए बाकी आप फ्रंट से गाड़ी एक बार लुक ले सकते हैं, फ्रंट से बहुत ही बेहतर है। उसके साथ ही अगर बात करोगे तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अपनी हीरो इलेक्ट्रिक की अपना जो हीरो की बैचिंग रहती है इलेक्ट्रिक वाली, उसके देख सकते हो LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि नो डाउट नाइट विजन में बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। 12 इंचेस वाले कंपनी आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स ऑफर करती है। इसमें आपको ड्रम ब्रेकिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 90x90 लगभग टायर साइज आपका इधर रहने वाला है। बाकी आप टायर देख सकते हो तो बहुत ही बेहतर टायर साइज रहते हैं अपने, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि कंफर्टेबल लाइट को इंक्रीज करने में आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहते हैं। एक बेहतरीन और शानदार कंफर्टेबल लाइट आप इस गाड़ी से बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो कि आपने फ्रंट से देख लिया। इधर अपना नॉर्मल आपको साइड इंडिकेटर अपने देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपने जो ये देखा, ये आपको बल्ब टाइप के साइड इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। ये आपका एज एक्सेसरीज, ये आपको फ्रंट गार्ड लगा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर बात करो इस गाड़ी के बारे में तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इस गाड़ी में अगर आप 4 से 5 घंटे चार्ज करोगे तो आपको अच्छी खासी रेंज निकाल के देती है, और ये गाड़ी 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। इसका अगर एक सिंगल बैटरी वालोगे तो वो लगभग 70 से 80 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है, वो कम टाइम में चार्ज हो 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाता है। बाकी ये LED हेडलैम्प सेटअप इस गाड़ी देख सकते हो, बहुत ही बेहतर लगता है। नाइट विजन में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स निकाल कर लो बीम हाई बीम आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बेहतर विजिबिलिटी वाइज नो डाउट कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होती है। एक परफेक्ट विजिबिलिटी आपको इस गाड़ी से दिनों में मिल जाती है इन नाइट विजन। बाकी अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करोगे तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंपनी ऑफर करती है, पूरा डिजिटल रहता है। अच्छे खासे फीचर्स में मिल जाते हैं, ये देखो अपना लो बीम हाई बीम की सुविधा मिल जाती है। इधर अगर अपन देखोगे तो अपने कंपनी ने ओवरऑल रिवर्स मोड का भी ऑप्शन दिया है, क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया है। तो क्रूज कंट्रोल में क्या कर सकते हो, इस बटन से अगर अपनी गाड़ी 40 में चल रही तो 40 पे सेट कर सकते हो, गाड़ी आपके 40 पे कॉन्स्टेंटली चलेगी, आपको ज़्यादा एक्सलेट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मतलब एक्सलेट नहीं करना, आपकी गाड़ी 40 पे ऑटोमेटिक चलेगी, जो कि अगर स्कूटर के हिसाब से बात करो तो बहुत ही बेहतर और शानदार फीचर कंपनी ने क्रूज कंट्रोल का यहाँ पे ऑफर किया हुआ है, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। आज के में दूसरी कंपनियाँ ये सारे काम नहीं करती हैं, जो कि हीरो की तारीफ वाली बात है, हीरो ने ये काम आपको प्रोवाइड करके दिया हुआ है। बाकी आप इधर देख सकते हो अपना हैंडल बार पोजीशन बहुत अच्छा है। एक बार आपको मीटर कौनसोल दिखाएंगे, ये देखो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही बेहतर है। बैटरी परसेंटेज बताता है, टोटल किलोमीटर बताता है, स्पीड अपनी बताता है, जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए एक स्कूटर्स में इलेक्ट्रिक स्कूटर में वो लगभग आपको यहाँ पे सारी देखने मिल जाती है, जो आपके काम लायक होने वाली है। बाकी साइड इंडिकेटर आपको ब्लिंकर यहाँ पे देखने मिल जाती है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स इस गाड़ी के मीटर कौनसोल के बहुत ही बेहतर है। हेडलैम्प का देख सकते हो सामने, आपको मैंने विजिबिलिटी दिखाने की कोशिश की। ये आपको यहाँ पे USB चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिल जाता है, जहाँ कि अपना फोन आप लोग आके ईजिली चार्ज कर पाओगे। लगभग 5 to 10 volt का आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हो अपना चार्जिंग का सपोर्ट आपको कंपनी यहाँ प्रोवाइड करती है फ्रंट एंड पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है, देख लो अपना कोई भी सामान वामान बोतल हो या फोन हो आप लोग ईजिली यहाँ पे कोई भी अपना सामान रख सकते हो। अच्छी खासी स्पेस है, स्पेस वाइज कोई भी कमी नहीं है, दोनों साइड पर आपको स्पेस देखने को मिल जाती है ठीक ठाक। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अपना कोई भी आपको सामान वामान टांगना हो तो आप यहाँ पे इजीली टांग सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी स्पेस अच्छी खासी चीज़ों मिल जाती है। मैट अपना एक्सेसरीज का पार्ट है, ये आपको सारी चीज़ यहाँ पे लग जाएंगी। आपको अगर गाड़ी लेना हो तो विदनगर में आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हीरो का शोरूम देखने को मिल जाएगा। बाकी इधर अपने देखोगे तो अपना चार्जिंग जो रहता है अपनी बैटरी का चार्जिंग, वो आपको सॉकेट यहाँ देखने को मिल जाता है। 160-165 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है, जो कि बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, कोई भी कंप्लेन आपको नहीं होने वाली है। साइड स्टैंड अपना डुअल स्टैंड देखने को मिल जाता है, ये अपना फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी जो आपका एक्सेसरीज आता है उसमें भी आपको ये लेडीज़ फुटरेस्ट आता है, तो एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने आप बिल्कुल फुटरेस्ट क्वालिटी की बिल्कुल ध्यान दी हुई है। यहाँ से आप लोग अपना सीट एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर अपना की लगा के आप लोग सीट इजिली ओपन कर लोगे। ऑप्टिमा CXER की दोनों साइड पर आपको बैचिंग देखने को मिलती है, बैक्स में रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि नाइट विजन आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपको हाइड्रोलिक सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही अगर बात करोगे तो मैं आपको बता दूँ बैक में भी कंपनी 12 इंचेस वाले टायर साइज प्रोवाइड करती है। डुअल हाइड्रोलिक के दोनों साइड आपको हाइड्रोलिक सिस्टम का सपोर्ट मिलता है,
जो आजकल में दूसरी स्कूटर्स आ रही है वो सिंगल हाइड्रोलिक अपनी गाड़ी को बना रही है, लेकिन यहाँ कंपनी की तारीफ वाली बात है, कंपनी आपको डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन प्रोवाइड करती है जो कि आपके कंफर्टेबल राइड में बहुत अच्छा इन्हेंसमेंट करने वाला है। आपको एक बेहतरीन और शानदार कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है, तो एक बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी के लिए। आप ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आप देखोगे तो ओवरऑल रिस्पांस बहुत ही बेहतर है, रिस्पांस वाइज कोई भी तकलीफ नहीं होती है। एक शानदार आपको यहाँ पर कंपनी ने बैक में भी 12 इंचेस वाले टायर साइज प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपको थोड़ा अगर आपका रोड कंडीशन ख़राब है तो आपके लिए वहाँ हेल्पफुल रहने वाला है। आपको अच्छा ग्रिप और स्टेबिलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो निकल के आएगी वो बहुत ही बेहतर निकल के आएगी। बैक से अगर बात करोगे तो मैं बैक से मैं दिखा दूंगा, लेकिन आप सीट देख सकते हो, सीट में बहुत अच्छी कुशन मिल जाती है। एक बार आपको हम सीट ओपन करके दिखा देते हैं कैसा कुछ स्पेस है। आपको यहाँ हेलमेट वेलमेट का आपको स्पेस मिल जाता है, बाकी ये अपना बैटरी ऑक्यूपाइड स्पेस है। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अपना हेलमेट एक हाफ फेस वाला हेलमेट आपका इजीली हट जाता है। ये अपने पास डुअल वाली बैटरी वाली ऑप्शन है, आप इसमें सिंगल बैटरी वाला भी ले लोगे तो वहाँ पे जो आपका बूट स्पेस है वो आपका ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें जो मिलती है, बैटरी शिफ्ट कर सकते हो, ये अपनी बैटरी रिमूवेबल है, आप इसे रिमूव करके अपने घर में ले जा सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर। बाकी पावर आउटपुट इसका देख सकते हो, ऐसा कुछ ये अपना लिथियम वाली बैटरी मिल जाती है, जिस पर भी आपको अच्छी खासी वारंटी लगभग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अपना सारे MCB ब्रेक देखने को मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ से आपका MCB ऑटोमेटिक ब्रेक कर जाएगा, तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं आपका कोई भी जो सामान है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल जो भी इसमें सारी चीज़ें, कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, ऑटोमेटिक यहाँ से पूरा पावर कट हो जाएगा। तो अगर अभी कभी गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपका यहाँ से अपना जो ब्रेक है वो आपका हो जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, यहाँ से अपना शिफ्ट कर सकते हो। आपको जो भी बैटरी में देखो B1 B2 लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ अपने बैटरी का पावर भी आप लोग अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो कि आपको अपनी गाड़ी को अभी किस बैटरी पावर से चलाना है। यहाँ पे बैक भी देखोगे तो बैक भी बहुत अच्छी, आपको यहाँ पे टेल लैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है। ये बैक से आप टेल देख सकते हो, आपको मैं बैक का इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ आपको बल्ब वाला यहाँ बैक पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी है, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होती है। नाइट विजन आपको जो रिस्पॉन्स निकलेगा वो बहुत ही बेहतर निकलेगा। बाकी ऑन रोड प्राइसिंग आपको हमने लोग बता दी, 95 से 1 लाख के बीच में गाड़ी आपको ऑन रोड कॉस्टिंग करती है। आप लोग यहाँ पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा दिखा दूँ। श्रेयान सीरो देख सकते हैं, वैठन में आपको इनका शोरूम देखने को मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल शेयर कर दूँगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहाँ के आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। EMI फाइनेंस सारी सुविधाएं इस गाड़ी पे रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप लोग EMI फाइनेंस सारी सुविधाएँ करा सकते हैं। आपको यहाँ पे हीरो के लगभग सारी मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको हीरो की गाड़ी लेनी हो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सेल्स सर्विस आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो ये आपकी रहने वाली ऑल न्यू हीरो ऑप्टिमा CX-ER, एक बहुत ही शानदार पेशकश है 2022 में। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतर स्कूटी लेने का तो बिल्कुल आप लोग स्कूटर को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 2022 में बिल्कुल एक परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल मिल सके आ सकती है। डिजिटल मीटर कॉन्सोल देखने को मिल जाता है, आपको इसमें कीलेस एंट्री देखने को मिल जाती है, अपनी जो की है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, तो कोई आपको ऐसी कंप्लेन या दिक्कत परेशानी इस गाड़ी से ओवरऑल नहीं रहती है। प्राइसिंग आपको हमने शेयर कर दी, लगभग आपको 120 से 140 150 किलोमीटर के आसपास की रेंज गाड़ी ऑफर करती है। 4 से 5 घंटे में गाड़ी की फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। इसमें आपको सिंगल बैटरी का भी ऑप्शन होता है, जो कि लगभग इससे 20 से 30 हज़ार रुपये सस्ती पड़ जाती है। तो जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको बेहतरीन लगे 2022 में, जो आपको मॉडल चाहिए आप उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे हीरो की सारी रेंज लगभग दिनों मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि आप सभी को हम बाइक और स्कूटी दुनिया से अप टू डेट रखें। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अभी आपको पता है नवरात्रि दिवाली का टाइम चला, तो आपको ऑफर्स भी मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग श्रेयान हीरो पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हीरो की इलेक्ट्रिक गाड़ी को परचेस करना हो या सेल सर्विस सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।